झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। खास बात यह रही कि शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के बेटा प्रभात कुमार और बेटी पूनम कुमारी परीक्षा में फेल हो गईं। पिछले साल भी ये फेल हो गए थे। रांची में वर्ल्ड मिल्क डे के मौके पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सीएम अर्जुन मुंडा ने घर बैठे सेमिनार का ऑनलाइन उद्घाटन किया। विमान हादसे में घायल होने के बाद से सीएम बेड रेस्ट पर चल रहे हैं। चाईबासा ट्रेजरी में निगरानी विभाग ने एक दलाल को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 10,000 रुपए बरामद हुए। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। राजधानी रांची समेत सूबे के तमाम हिस्सों में पत्थर के व्यवसायियों ने धरना दिया। ये पर्यावरण विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य किए जाने का विरोध कर रहे थे। पलामू में इप्टा के बैनर तले बच्चों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। ब्याह के चक्कर में बड़े बुरे फंसे जनाब। समस्तीपुर कोर्ट परिसर में बीवी के मायके वालों ने जमकर धुना। इतने थप्पड़ पड़े कि जनाब को दिन में ही तारे नजर आने लगे। मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस से ही सुनील राय नाम के इस युवक को उसके ससुराल वालों ने जबरदस्ती खींच कर बाहर निकाला और फिर शुरू हुई थप्पड़ों की बारिश। हालांकि सुनील की पत्नी पूनम देवी उसे बचाने में जुटी रही, लेकिन उसके मायके वाले तो सुनील को सबक सिखाने पर तुले हुए थे। दरअसल विभूतिपुर गांव का सुनील अपनी विधवा भाभी रिंकू देवी से शादी रचाने समस्तीपुर कोर्ट पहुंचा था और दस्तखत करने के लिए उसकी पत्नी पूनम भी पहुंची थी। इसी बीच पूनम के मायके वाले कोर्ट में आ धमके और सुनील की धुनाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि सुनील अपनी बीवी को बरगला कर दूसरी शादी कर रहा था, लेकिन दूसरी शादी का चक्कर सुनील को महंगा साबित हो गया। तीन बच्चों की मां से शादी करने पर आमदा था युवक, मना करने पर महिला की ले ली जान। जमशेदपुर के तुलिया बेड़ा में रहने वाली संजू पांडे को चाकू से गोद कर मार डाला गया। तीन बच्चों की मां संजू की शादी 15 साल पहले पप्पू से हुई थी। इसी बीच अचानक संदीप नाम का एक युवक संजू के घर आ धमका और साथ चलने को कहने लगा। संजू ने मना किया तो चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने देखा तो दौड़कर हमलावर संदीप को पकड़ा और उसकी जबरदस्त धुनाई कर दी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी भी हो गया। संदीप का दावा है कि संजू से उसका अफेयर था, लेकिन उसके शादी के प्रस्ताव को संजू ने खारिज कर दिया तो उसने हमला बोल दिया। ये प्यार था या फिर एक तरफा इश्क, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस सनक ने एक परिवार जरूर तबाह कर डाला। सीतामढ़ी में प्रेम के चक्कर में युवक को गंवानी पड़ी जान, लड़की के घर वालों पर लगा हत्या का आरोप। जवान बेटे की लाश देखते ही मां बदहवास हो गई, ये पछाड़ मार कर रोने लगी। परसौनी गांव के रहने वाले राजीव की यहां की एक लड़की से प्रेम हो गया था, इसी चक्कर में दोनों घर से भाग गए थे। बाद में लौटे तो लड़की की शादी कहीं और करवा दी गई। राजीव के परिजनों का आरोप है कि लड़की के घर वाले अक्सर उसकी हत्या की धमकी देते थे। गुरुवार को उसकी लाश बागीचे में मिली तो घर में मातम पसर गया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। प्रेम पाप नहीं है, पर नासमझी से एक परिवार की खुशियां छिन गई और दूसरा परिवार बन गया मुजरिम। कटिहार में धरे गए फरार प्रेमी युगल, लड़की ने परिवार वालों पर जड़े संगीन आरोप। हम इसी के साथ रहेंगे, मेरे मम्मी पापा चाहता है इसको ओपी में भेज देंगे इससे अलग करके। ये लड़की अपने ही माँ बाप को कटघरे में खड़ा करती नजर आ रही है। इसे बरारी के रहने वाले एक लड़के मदन से प्रेम हो गया था, लेकिन परिवार लड़की की शादी कहीं और करने की तैयारी करने लगा। इसकी भनक लगते ही प्रेमी युगल फरार हो गए और शादी कर ली। लड़की के पिता के केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इनको खोज निकाला। लड़की खुद को बालिग बता रही है और प्रेमी के साथ ही रहने की जिद ठाने बैठी है। हम चाहते हैं इसी के साथ रहेंगे। अगर अलग कर देगा तो क्या करेंगे? हम नहीं जाएंगे अलग करके, हम मम्मी पापा के पास नहीं जाएंगे कभी। प्रेम का मामला भावनात्मक होता है, केस मुकदमे से कुछ नहीं होता, इससे बात और बिगड़ती है।
हाजीपुर में पति और प्रेमी के बीच फंसी एक महिला, तीसरी शादी के बाद भी जारी है रिश्तों का तमाशा। अनीता का पहला पति खुदकुशी कर चुका है, दूसरी शादी की तो पति ने तलाक दे दिया। इसके बाद परिजनों ने अनीता की शादी हाजीपुर के धर्मेंद्र कुमार से करा दी, सोचा कि अब ये शादी चल जाएगी, लेकिन इसमें भी पेच फंस गया। शादी के चंद रोज ही हुए थे कि खुद को अनीता का प्रेमी बताने वाला मुकेश आधमका। प्रेम का राज खुला तो पंचायत बैठी, पंचायत में मसला नहीं सुलझा तो सब थाने पहुंचे। अब धर्मेंद्र पत्नी अनीता को साथ रखने को तैयार नहीं, तो अनीता अपने प्रेमी मुकेश के साथ जाना नहीं चाहती। इस फैमिली ड्रामे ने पुलिस को भी चकरा कर रख दिया है। रिश्तों का ये ताना बाना सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। भभुआ में गायब छात्रा की स्कूल के पास मिली लाश, हत्या से पहले गैंगरेप की आशंका। भभुआ शहर में गुरुवार को 8वीं की इस छात्रा के गायब होने के बाद परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो नहीं मिली। आखिरकार शुक्रवार की सुबह उसकी लाश स्कूल के पास एक टैंक में पड़ी मिली तो सनसनी फैल गई। लड़की के पिता का आरोप है कि उनके घर के बगल में रहने वाले तीन किरायेदार युवकों ने बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या करने से पहले गैंगरेप किया। वारदात के बाद से तीनों युवक गायब हैं। दो दिन पहले जो है बच्ची लोग के साथ छेड़छाड़ की, बगल में किरायेदार रहते हैं बैचलर, कल भी ढूंढे नहीं पता चला, आज जो है ना ऊपर बाल नजर आ रहा था पानी के ऊपर। वहशी दरिंदों के इस करतूत के बाद लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को दबोचने का दावा किया है। भागलपुर में सेवा यात्रा के पहले दिन नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। यहां से सीएम सवार पहुंचे, जहां आयोजित जनसभा में उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। दरभंगा के हनुमान नगर की सीडीपीओ सुनीता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरना दिया। औरंगाबाद में बेकाबू होकर कार के पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि तीन जख्मी हो गए। बोकारो से एक परिवार के कई लोग कार से यूपी के बलिया जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। पटना के बिहटा में लोगों ने थाने का घेराव किया। ये उज्जवल नाम के एक युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।